लंबे समय से एक समान शिक्षा की मांग कर रहे राधेश्याम यादव आज अनोखे अंदाज में नामांकन कराने पहुंचे। दरअसल राधेश्याम बलिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने पहुंचे थे। राधेश्याम के हाथों में जंजीर और कटोरा था, साथ ही बदन पर कफन दिखा। इस दौरान एक समान शिक्षा की मांग को लेकर राधेश्याम ने राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, कहा इस देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए। हालांकि नामांकन केंद्र के मुख्य गेट पर ही पुलिस कर्मियों ने जंजीर और कटोरा हटवा दिया, केवल कफन पहनकर नामांकन केंद्र पहुंचे, लेकिन नामांकन का समय खत्म होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी ने 14 मई को बुलाया है। और शिक्षा एक समान के लिए पूरे देश में मैं काम करता हूँ। अभी आप नामांकन कराने आए थे, अपना क्या हुआ? अभी हमारे अधिकारी साथियों ने कहा कि अभी समय आपका खत्म हो गया है, आप कल 11 बजे दिन में। मेरा मुद्दा है इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा इस देश में वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। यही मेरा आंदोलन है, यही मेरी लड़ाई का असली मकसद है। मैं आया हूँ, जनता में जाऊँगा और जनता से कहूँगा कि इस चुनाव में आप जिसको चाहे उसको वोट करिए, लेकिन अपने बच्चे के चेहरा और सर पर हाथ रख के दीजिए कि इस बार शिक्षा के नाम पर आपको वोट के लिए कफन की जरूरत है। यह मैं कफन के साथ हथकड़ी भी पहन के आया था, हाथ में कटोरा लेके आया था कि आजाद भारत का गुलाम हिंदुस्तान है, आजाद भारत का गुलाम हिंदुस्तान है। इस देश में सांसद विधायक कलेक्टर SP की एक अलग कैटेगरी है। ये दोनों कैटेगरियां अपने बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है उनको पढ़ने के लिए, और जो देश में वोट देता है उसके बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है इस देश में पढ़ने के लिए। आखिर क्यों इस देश में सांसद विधायक के बच्चा रिमोट कंट्रोल से आता है और जो वोट देता है उसके बेटा कहां से आता है? आखिर दोनों की परीक्षा पे कराते हो तो पढ़ाई अलग अलग क्यों कराते हो? किसी के लिए आपने कन्वेंट बना दिया, किसी के लिए आपने सैनिक स्कूल बना दिया और किसी के लिए खिचड़ी वाला बना दिया, और इस देश में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आखिर क्यों? ये गुलाम भारत का आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान का गुलाम भारत है। नहीं, गुलाम होता तो फिर आप इतनी आवाज क्यों निकालते, कैसे बोल पाते फिर आप? गुलाम, आपको आजादी मिली तभी गुलामी, तो बोल रहे हो आप। गुलामी और आजादी का मतलब क्या हो गया? उस समय अंग्रेज गुलाम रखे थे, अलग हिसाब से शोषण करते थे। आज हमारे नेता शोषण करते हैं, आज नेता मिलकर शोषण करते हैं, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का नेता हो, सभी सांसदों विधायकों, किसी पार्टी का सांसद विधायक हो, उसके बच्चा के पढ़ने के लिए एक व्यवस्था है। अब वोट देता है, चाहे किसी पार्टी का वोट देता है, उसके बच्चों को पढ़ने का अलग व्यवस्था है, तो क्या यह गुलाम नहीं है? सारे अभी आप इस शमशान के वस्त्र की क्या आवश्यकता थी? सर जी, जो स्थिति है, देखिए हमारे हिसाब से इस देश में चाहे किसी देश में जो आदमी पैदा होता है, अगर अपने बच्चों को समान शिक्षा नहीं देता है तो मरा हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को एक सांसद विधायक के बराबरी शिक्षा नहीं देता हूं तो मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं मरा हुआ आदमी हूं। चाहे कोई भी इस देश में अगर बच्चे पैदा करने का अधिकार है तो उसको समान शिक्षा दिलवाने का अधिकार नहीं है, तो इस देश में उसको पैदा होने का कोई अधिकार नहीं है, उसको इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा जंग है, ये मेरा लड़ाई है। हमारी लड़ाई कफन और मेरी लड़ाई कटोरा और सीकर से नहीं, हमारी लड़ाई शिक्षा से है, हमारे बच्चों को समान शिक्षा मिले। समान शिक्षा नहीं, नहीं, आप इसको दूसरा तरफ खींच रहे हैं, उधर नहीं हो रहा है। मुसलमान सांसद, बाबू साहब सांसद, पंडित जी सांसद, यादव जी सांसद, हरजन भाई सांसद, ये सारो सांसदों का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है। गरीब मुसलमान, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, गरीब SC ST के लोग के बच्चों एक एक स्कूल में, बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है। ये सवाल है, सवाल वहाँ नहीं है जहाँ आप खींच के ले जा रहे हैं, सवाल यहाँ है। जैसे हमारे बड़े पत्रकार हैं, आज तक हैं, उनके जो एंकर हैं, उनके बच्चा कहाँ पढ़ता है? हमारे पत्रकार भाई हैं जो दिन भर गाँव में किस तरह काम करते हैं, हम लोग मिलते हैं, बेचारे मोटरसाइकिल से कभी पंचर हो जाता है, पैसा नहीं रहता है। गाँव के पत्रकारों की बात का हंसी मत, मैं देखा हूँ पत्रकारों के, कई साथियों को मैं जानता हूँ, वो कैसे कैसे अपना निर्वहन करते हैं और जनता क्या कहती है, नेता उसको क्या कहता है, वो कहाँ से मैनेज करता है, बताइए ये। और आपके 4 बच्चे हैं, आप पत्रकार हैं तो आप कहाँ से व्यवस्था करेंगे, आप बताइए हमको। आपसे सबसे पूछता हूँ, तो ये आपका धर्म है, मेरा धर्म है, इस देश में हम पैदा हुए हैं तो इस बेईमान और लुटेरों से आज़ादी दिलवाने का काम हम करेंगे।